आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कोई अच्छे होंगे और परमेश्वर की आशीष आप लोगों के ऊपर होती रहे, मैं आशा करती हूँ। चलिए आज हम प्रार्थना करते हैं। दोपहर के वक्त परमेश्वर की हुजूरी में हम सब मिलकर उपस्थित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत खुश होते हैं जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, सबसे ज़्यादा समय देते हैं। तो चलिए कुछ समय हम परमेश्वर के लिए निकालते हैं। और आज मैं कुछ आप लोगों के सामने वचनों को बोलना चाहती हूँ। मत्ती 6 अध्याय उसकी 6 आयत, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतर कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें ना दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए उनके सदृश ना बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। मत्ती 6 अध्याय 25 आयत, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना ही अपने देह के लिए कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पंछियों को देखो कि वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं और ना ही खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खोलता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं। मत्ती 7 अध्याय की 7वीं आयत, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन है जो अपने पुत्र को जब वो रोटी मांगे तो पत्थर दे, अथवा मछली मांगे तो सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो और जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं और अधिक क्यों ना देगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आप लोगों को ये वचन इसीलिए बताया ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर का प्रेम हमसे कितना अनोखा है, कितना प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमारी ज़रूरतों का कितना ध्यान रखते हैं, वो हमारे एक एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो हमारे चलने फिरने उठने बैठने हर चीज़ों का परमेश्वर ध्यान रखते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के हम प्रार्थना इसी बात में करने जा रहे हैं। जो लोग भाई बहन, जितने भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, कुछ भाई बहन अपनी स्टडी के लिए, जॉब के लिए, फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए, पैसों के लिए परेशान रहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर इस वक्त बहुत सी मुसीबतें आ रही हैं, तो हम सब कोई उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सब अपने आँखों को बंद कीजिए। और ये वचन मैंने इसीलिए बोला क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो आपके लिए, हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें क्या चीज़ चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा है। परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, परंतु परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आप सब अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपने घुटने को टेकिए, परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाइए और पूरे हृदय से अपने हृदय को परमेश्वर को देते हुए चलिए प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता,
पिता इस सुंदर वक्त के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने देखने के लिए दिया। प्रभु आप कितने दयालु परमेश्वर है कि आप हमें रोज नया दिन देखने के लिए देते हैं। पिता आप हमें रोज एक नई दोपहर देखने के लिए देते हैं। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हाजिर हो पाते हैं परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं मेरे पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, आप हमारे बीच उपस्थित हैं इस वक्त। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि लिखा है कि पिता जहाँ एक से दो आपके नाम से उपस्थित होंगे वहाँ आप उपस्थित होते हैं। और परमेश्वर पिताजी आपको इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरी इस प्रार्थना को इस वक्त जो भी भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, आप सबको उन सभी लोगों को आशीष दें परमेश्वर पिता। मैं उन सभी लोगों को आपके चरणों में लाती हूँ मेरे पिता, आप उन सभी लोगों को संभालिए प्रभु जी। जितने भी लोग इस वक्त पिता दुविधा में हैं, परेशानी में है पिताजी, तकलीफ में है, मैं उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर ना दें, आप अपने बच्चों को ना देखें। प्रभु आप तो माँ से भी ज़्यादा आपका प्यार गहरा है पिता, तो आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं प्रभु। इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त पिता, जो भी प्यारे मेरे भाई बहन, जितने भी लोग पिता जॉब के लिए परेशान रहते हैं पिता, अपने फ्यूचर के लिए परेशान रहते हैं प्रभु जी, मैं उनको आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। जो उनके लिए बेस्ट है प्रभु, जो उनके लिए अच्छा है प्रभु, जो उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए अच्छा है प्रभु, आप उन्हें दें प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार पिताजी, उन्हें उनके जीवन में पिताजी तरक्की दें प्रभु जी। अपनी आशीष उन लोगों के ऊपर रखें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि और ज्ञान से पिता उन लोगों को भरें प्रभु जी। इस वक्त ऐसे भी लोग हैं जो पिता फाइनेंस प्रॉब्लम को लेकर परेशान है, पैसों की समस्या को लेकर बहुत तकलीफ में हैं प्रभु। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके रातों की नींद उड़ गई है प्रभु, ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके घर में इस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है प्रभु। ऐसे कितने लोग हैं मेरे पिता जो कर्जे में डूबे हुए हैं प्रभु, मैं उन लोगों को आपके हाथों में देती हूँ पिता। उन लोगों को आप संभालो और उन्हें उनके कर्जों से आप मुक्त करो प्रभु, उनके घरों में आप खाना दो, क्योंकि पिता आपने बोला है कि पिता आप अपने बच्चों की सुनते हो, आप अपने बच्चों के लिए पिताजी बहुत बेस्ट सोचते हो, बहुत बेस्ट देते हो पिता। आप उनकी इच्छा से अनुसार पिता, क्योंकि आप जानते हो कि आपके बच्चों को क्या चाहिए, और पिता आप जानते हो इसीलिए आप उनकी सोचों से भी ज़्यादा बढ़कर उन्हें देते हो। और प्रभु जी आप ऐसा ही करो, और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आप उनके ऊपर आशीष दो मेरे प्यारे प्रभु। इस वक्त जो जवान बच्चे हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं उनको आपके हाथों में देती हूँ, उनके करियर को आपके हाथों में देती हूँ पिता, उनकी सोचों को आपके हाथों में देती हूँ पिता। आप अपनी तरीके से उन लोगों को चलाएं मेरे पिता, आप अपने तरीके से पिता उन लोगों को बुद्धि और ज्ञान से भर दें प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पिता आप अपनी आशीष उन लोगों पे दें प्रभु। जितने भी लोग इस वक्त बीमार हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। मैं उनकी बीमारी को आपके हाथों में देती हूँ, उनके जीवन को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आपके तो नाम में ही चंगाई मिल जाती है परमेश्वर, आप तो इतने सामर्थी परमेश्वर हो कि आपके नाम से बीमारियाँ डरती हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से सारी बीमारियां आउट हो जाएं, सारे रोग ख़त्म हो जाए, सारी बीमारियां उनके शरीरों से निकल जाए और प्रभु जी वो आज़ाद हो जाए, ताकि पिता एक बहुत बड़ी गवाही बनने पाए कि प्रभु आपके द्वारा उनके जीवन में कितना अद्भुत काम हुआ मेरे पिता। प्रभु आप सभी लोगों के जीवनों में काम करें, जितने लोग सुन रहे प्रभु आप उन सभी लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भर दें, उनके जीवनों में काम करें कि पिता वो आपके अद्भुत प्रेम को समझने वाले बनने पाए कि प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हो पिता, आप कितने दयालु परमेश्वर हो प्रभु। आप अपने हृदय को इस दोपहर के वक्त आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आप स्वीकारिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों सभी के पिताजी, मैं हृदय को आपके पवित्र हाथों में रखती हूँ प्रभु, आप स्वीकारिए उन्हें। और पिता उनके दिलों में आज ही आइए, उनके जीवनों में आइए प्रभु, और पिता उनके जीवन को ब्राइट कर दीजिए, क्योंकि पिता जहाँ आप रहते वहाँ कभी अंधकार नहीं होता प्रभु। आप अपनी सामर्थ्य से उन लोगों को भर दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं उनके जीवनों को, उनके कैरियर को, उनके फ्यूचर को
उनकी सारी समस्या को आपके हाथों में देती हूँ, क्योंकि पिता आप मुझसे अच्छे तरीके से जानते हो कि पिता आपके बच्चों को क्या तकलीफें हैं। पिताजी मैं तो उतनी अच्छी रीति से नहीं जानती, पर प्रभु आप मुझसे भी अच्छी रीति से जानते हो प्रभु, और अपने बच्चों को आप आज आशीषित करोगे प्यारे प्रभु, आप आशीषित कर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी इस दोपहर को मैं आपके चरणों में रखती हूँ, प्रभु जी आप संभालिए। और पिता आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस दोपहर की प्रार्थना से प्रभु आप हमें कितनी आशीषों से भर रहे हो। पिता आप इस दोपहर की प्रार्थना से प्रभु कितने लोगों को आप चंगाई दे रहे हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिताजी कितनी चंगाई हो रही है प्रभु, कितने लोगों का जीवन बदल रहा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। पिता इस दोपहर की प्रार्थना की वजह से प्रभु मैं आपके वचन आपके बच्चों के सामने ला पा रही हूँ मेरे प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं आपकी धन्यवादी हूँ प्रभु, क्योंकि आप सचमुच बहुत महान परमेश्वर प्रभु, मैं आपका जितना धन्यवाद दे दूँ मेरे पिता परमेश्वर उतना कम है। प्रभु जी इस वक्त इस दोपहर को मैं आपके हाथों में देती हूँ, संभालो मेरे पिता, और पिताजी इस पूरी पृथ्वी को आपके हाथों में देती हूँ, पिता आप संभालो, और पिता मेरी नहीं पिता फिर भी आपकी मर्जी पूरी होने पाए पिता, इस पृथ्वी पर आपका राज्य बढ़ने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और ये छोटी सी विनती प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पिताजी सलीबी नाम से मांगती हूँ, आमीन।